गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम राय वीरेंद्र। मैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स में जो है चैप्टर जो है लाइंस एंड एंगल्स के बारे में जो है बता रहा हूँ इस क्लास में। बच्चों, आपको प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जो बताया था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बताया था कि कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे इक्वल होता है, इससे संबंधित कुछ जो है थ्योरम्स को मैं बताया था। और जो मैं नेक्स्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में आपको जो है 7B जो है एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। बच्चों, अब आगे के प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपके पास बुक होंगे तो उसे निकाल कर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इन द एडजॉइनिंग फिगर एक्स इज टू वाई इज टू जेड इक्वल टू हमारा 5:4:6, फाइंड हमको करना है एक्स वाई जेड, हमको फाइंड करना है बच्चों। अब यहाँ गिवेन डेट क्या दिया हो, पहले कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ फिगर्स आप देख लेंगे दिया हो, क्योंकि एडजॉइनिंग फिगर आपका दिया हुआ, यानी एक्स वाई आपका दिया हुआ, इसमें एंगल एक्स ओ पी हमारे एक्स डिग्री दिया हुआ, पी ओ क्यू वाई डिग्री दिया हुआ, क्यू ओ वाई हमारे जो है जेड डिग्री दिया हुआ। अब बच्चों यहाँ लिख लें, गिवेन डेट एक्स डिग्री एक्स इज टू वाई इज टू जेड इक्वल टू 5:4:6 होता है। बच्चों यहाँ रेशियो है, इसको तोड़ने के लिए कोई एक कांस्टेंट से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। लेट एक्स इजकल टू 5 8 डिग्री, वाई इजकल टू 4 8 डिग्री एंड जेड इजकल टू 6 8 डिग्री। अब बच्चों आप थ्योरम नंबर 2 से जानते हैं, थ्योरम नंबर 2 आपको जो है करके बताया था, आप उसे देख लिए होंगे और समझे होंगे। बच्चों यहाँ देखेंगे थ्योरम नंबर 2 में से हम जानते हैं कि वी नो डेट द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन एट ए गिवेन पॉइंट ऑन द लाइन इज 180 डिग्री। एक दिए हुए लाइन के बिंदु पर एक तरफ जो है लाइन के एक तरफ जितने भी कोण बनते हैं उनका योग जो है 180 डिग्री होता है। तो बच्चों एक्स और वाई, एक्स ओ वाई एक लाइन है, इसके ऊपर जो है 3 एंगल्स जो है वही तरफ बने हैं, इसलिए जो है एक्स वाई जेड का योग हमारा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी बच्चों देखें कैसे होगा, पी एक्स ओ वाई प्लस पी ओ क्यू प्लस यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू ओ वाई लिख देंगे, यानी 180 डिग्री हो जाएगा। अब बच्चों इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 15A आएंगे इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब बच्चों यहाँ देखें 15A इक्वल टू 180 डिग्री, ए इक्वल टू क्या था, मल्टीप्लाई इधर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, यानी 180 डिग्री को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या था, 12 डिग्री आएंगे, यानी ए का वैल्यू आपका 12 है। बच्चों यहाँ हमको फाइंड करना है एक्स वाई जेड, मानी यह एंगल हमको जो है निकालना था, तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 5x = 5 8 डिग्री है तो 5 × 12 मल्टीप्लाई करेंगे 60 डिग्री होगा, y = 4 8 डिग्री हो जाएगा 4 × 48 12 करेंगे तो कितना, 48 डिग्री होगा, z = 6a है तो 6 × 12 करेंगे 72 डिग्री होगा। तो बच्चों इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे, जो निकालना था ये आपको मांग डिमांड था जो आपका सलूशन है। अब बच्चों इन द एडजॉइनिंग फिगर हमको यहाँ देखना है क्या, हमको नहीं, यहाँ देखिए एडजॉइनिंग एक फिगर दिया हुआ है, इससे संबंधित आपका जो है प्रॉब्लम दिया हुआ है। 3 कोप्लानर लाइन ए बी सी डी एंड ई एफ इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट ओ, ओ बिंदु यहाँ वो पॉइंट ओ दिया हुआ है, यानी ओ बिंदु पर आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, यानी ये वो बिंदु है आपका जो है, तीनों जो है रेखाएं जो एक बिंदु पर काटती हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमको क्या है एक्स का निकालना है, और जो है फाइंड द ए ओ डी एंगल सी ओ ई एंड एंगल ए यू। बच्चों यह हमको दिया क्या हुआ, इसको आप देख लेंगे प्रॉब्लम में, देखिए यहाँ हमारा क्या है, ई ओ सी हमारा दिया हुआ 5x डिग्री, बी ओ एफ दिया हुआ 3x डिग्री एंड ए ओ डी दिया हुआ 2x डिग्री। यानी हमको क्या क्या दिया हुआ, यहाँ लिखिए ए बी सी डी एंड ई एफ इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, यानी यहाँ दिया हुआ ई ओ सी 5x डिग्री, बी ओ एफ 3x डिग्री एंड ए ओ डी इक्वल टू 2x डिग्री। हमको फाइंड क्या करना है, एक्स ए ओ डी सी ओ ई एंड ए ओ डी, माने क्या हमको निकालना है, ए ओ डी निकालना है, ए ओ डी यानी ये हमारा क्या है 2x निकालना है वैल्यू, सी ओ ई सी ओ सी ओ ई हमको निकालना है जो 5x डिग्री है,
ए ओ ई, अब हमको क्या निकालना है, ए ओ ई माने एंगल हमको कौन निकालना है, ई एंगल निकालना है। तो बच्चों ये समझ गए होंगे कि क्या हमको निकालना है। अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं, जो किस प्रकार का हमको लिखना है। अब यहाँ देख लिए वर्टिकल अपोजिट एंगल्स से, बच्चों आप जानते हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। बच्चों यहाँ देखेंगे बी ओ सी बराबर ए ओ डी है, अगर देखेंगे तो 2h डिग्री होगा। ए ओ ई बराबर बी ओ एफ, ये दोनों है जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, 3h डिग्री होगा। सी ओ ई एंड डी ओ एफ ये हमारा 5 डिग्री है। अब बच्चों यहाँ सब हमको मालूम हो गया, अब यहाँ मेंशन करिए ई ओ एफ और यहाँ ओ सी ओ बी हम लिख लेते हैं। बच्चों यहाँ तीनों डिग्री का जो है ए ओ ई प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ एफ माने ए, बच्चों यहाँ देखेंगे ई ओ सी हमारा दिया हुआ, ई ओ सी मान यहाँ बच्चों हमको क्या दिया हुआ है, ई ओ सी, ई ओ सी यानी ई ओ सी हम लिखेंगे। उसके बाद क्या है बी बी ओ सी ई एंगल लिखेंगे, उसके बाद बी ओ एफ लिखेंगे, क्योंकि वन साइड जो है वो ई ओ एफ के वन ही तरफ जो है तीनों एंगल्स बने हैं, तो इसका तीनों एंगल्स का योग क्या होते हैं, 180 डिग्री होगा। बच्चों ई सी ओ ई इजकल टू हमारा कितना है, 5x डिग्री है, मैंने सी ओ ई 5x डिग्री है। अब यहाँ बी ओ सी हमारा 2x डिग्री है, बी ओ सी यानी बी ई ओ एफ, बी ओ एफ हमारा क्या इतना है, बी ओ एफ 3x डिग्री है। बच्चों यहाँ तीनों का मान आप लिख देंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो 10x डिग्री होगा यानी 180 x डिग्री इजकल टू हमारे का 180 डिग्री बाय 10 करेंगे यानी 18 डिग्री आएगा। यानी बच्चों पहला एक्स का मान आ गया, फिर हमको दूसरा मान निकालना है ए ओ डी, ए ओ डी। अब बच्चों ए ओ डी का मान कितना है, 2x है, तो 2 × 18 कर देंगे यानी 36 डिग्री होगा। सी ओ ई बराबर हमारे क्या 5x डिग्री है, सी ओ ई बराबर 5x डिग्री है आपका, इसको 5 को 18 से करेंगे तो 90 डिग्री होगा। ए ओ ई 3x है, ए ओ ई इक्वल टू हमारा 3x डिग्री है, इसलिए बच्चों यहाँ का 3 × 18 करेंगे तो 54 डिग्री। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का जो है प्रॉब्लम का सलूशन आपका यह है, जो आप इसे अच्छी तरह समझ गए हों। अब बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बता रहा हूँ, जो आप खुद जो है प्रॉब्लम को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका बुक में है उसको एक बार अपने से जो है देखेंगे, उस वक्त मैं जो इसको सलूशन दे रहा हूँ वो एक बार जरूर पढ़ें। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट इन सच वे डैट वन ऑफ द एंगल फॉर्म इज मेजर 90 डिग्री, मैंने ए और बी और सी एड टू लाइन्स हैं जो दोनों इंटरसेक्ट हमारे कहते हैं वो बिंदु पर आपको कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं कि जो हमारे बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हमको क्या दिखाना है, सो डैट ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स मेजर 90 डिग्री, जो तीन एंगल्स एक दो तीन हमारा एंगल ए ओ सी इक्वल टू ए ओ डी इक्वल टू बी ओ डी हमारे जो है इक्वल होंगे। तो बच्चों यहाँ देखें गिवन डेट ए बी एंड सी डी टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ एंड वन एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री, सो डेट ए ओ सी बराबर ए ओ डी बराबर बी ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चों यहाँ दिया हुआ, अब यहाँ देखेंगे ए ओ सी प्लस बी ओ सी ये दोनों एक लाइन के जो एक ही तरफ के एंगल हैं, ये दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी ए ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी ओ सी, 180 डिग्री माइनस बी ओ सी हमारे कितना दिया है बच्चों, 90 डिग्री, इसलिए हमारे क्या होगा, सबसे 90 डिग्री होगा। अब वर्टिकल अपोजिट आप जानते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल सर इक्वल होगा, यानी ए ओ डी ए ओ डी हमारा इक्वल होगा बी ओ सी के होगा यानी 90 डिग्री होगा। और बच्चों क्या होगा यहाँ, बी ओ डी इक्वल टू ए ओ सी हो जाएंगे यानी वर्टिकल है यानी 90 डिग्री। इस प्रकार आप देखते हैं कि तीनों एंगल जो हमारे जो है ए ओ सी
एंगल BOC, सॉरी AOC इक्वल टू एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOD इक्वल टू 90 डिग्री। आप इसको लिख करके जो है लिख लेंगे और जो है इसे प्रूव करेंगे। जो हमारे यहाँ मांग दिया हुआ था यही हमको दिया हुआ था जो आपका प्रूव हुआ। तो बच्चों आपको इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मैं जो है इसके बाद के सवालों को करूँगा। बच्चों मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जो आप जो है इसके बाद प्रॉब्लम को बना करके व्हाट्सएप पर भेजेंगे। जो भी दिक्कत होगा अगर व्हाट्सएप पर भेजेंगे तो उससे हमको समझ में आ जाएगा कि आप लोग क्या समझ रहे हैं कि नहीं। इसलिए आप जो भी जो है प्रॉब्लम है इसके बाद के जो प्रॉब्लम को व्हाट्सएप पर ज़रूर बना करके भेजेंगे, तो उसको मैं चेक करके बताऊँगा कि आप लोग सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके थैंक्स।